नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं सागर जिले की रहली जनपद पंचायत में, और यहां पर जो कि स्कूटनी का दौड़ चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से, आप कैमरे में देख सकते हैं कि तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं। कई सरपंच पद के दावेदार भी हैं, कई जनपद पंचायत सदस्य के भी दावेदार हैं, तो कई पंच के दावेदार यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से मुखातिब होंगे, कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कहाँ से उन्होंने किस चीज़ का फॉर्म भरा है। तो लोग हमारे साथ मुखातिब होंगे। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं जहाँ पे लोग मन लगा करके जो है स्कूटनी में अपना नाम सुन रहे हैं साउंडों के द्वारा जो कि है यह पूरी जानकारी दी जा रही है। लोग बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, उनका नामांकन दाखिल हुआ है, उनके जो फॉर्म है उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, यह तमाम चीज़ों की आस लगाए हुए आप देख सकते हैं। इतनी धूम में भी कैसे लोग बैठे हैं सामने, और तमाम लोग कुछ पेड़ की छाया में भी बैठे हैं, और कुछ लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मुखातिब होंगे, हम बात करेंगे। कहाँ से आए आप? थोड़ा मर गया। थोड़ा ही समर, काय का फार्म डाला? सरपंच। सरपंच का? आपके ये गांव से कितने फार्म डले? एक बस। आप ही को अकेले? तो अनिर्विरोध ही मारे? अनिर्विरोध नहीं है, दो गांव और। अच्छा, दो गांव। कौन कौन से गांव? पिपरिया ही, सागवानी। सागवानी और पिपरिया। तो दो ही जगह से लगभग कितने फार्म आपकी पूरी पंचायत में डले? तीन। तीन, तीन फार्म इनकी पंचायत में डले हैं। और जे कुड़ई ग्राम पंचायत से आए हैं, रहली जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है। और भी लोग यहां पर जो हैं बैठे हुए हैं, और भी हमारे साथ में लोग मुखातिब होंगे, बात करेंगे हम। रोक देते ऐसे बस। लोग हमारे साथ लगातार मुखातिब हैं, हम लोगों की सुन रहे हैं कौन कहां से आया है, किस चीज़ का नामांकन दाखिल किया है। कहां से आए हैं आप? फलर से। फलर से काय का फॉर्म भरा आपने? सरपंच को। खड़े हो जाता है। कितने प्रत्याशी हैं आपके गांव से? हमारे गांव से 10 है। 10। तो सीट का हाथ? हरिजन। स्कूटनी भाई अब नहीं? अब नहीं भाई। और भी लोग हैं मुखातिब होंगे, अलग अलग गांव से लोग आए हैं। ये भैया हैं, कहां से आए आप? ग्राम पंचायत सेवास। सेवास में कितने फार्म? 10। 10। सीट? सीट सामान। सामान सामान्य सीट है। सेवास ग्राम पंचायत से आए हैं, जनपद पंचायत में स्कूटनी चल रही है। और भी लोग हमारे साथ है जो जनपद सदस्य पद के दावेदार हैं, वो भी हमारे साथ मुखातिब हैं। जितेंद्र जी। जी भैया। कहाँ से भरा आपने फॉर्म? हमने वार्ड क्रमांक 3 से, इसमें रेवा गांव से हैं हम। तीनों आवेदन पत्र विधिमान्य पाए गए हैं। इसमें हमारी माता राम जगत रानी धनी राम कुर्मी अभ्यर्थी हैं। इसके पहले आप सरपंच भी रहे थे? जी, पिछली दो पंचवर्षीय से हम सरपंच हैं। पिछली पंचवर्षीय में हमारी माता राम जगत रानी के नाम से थे, और इस पंचवर्षीय में हम जितेंद्र कुर्मी नाम से अभ्यर्थी थे, जो 12.5 साल का कार्यकाल हमारा पूर्ण हुआ, और इस बार जनपद में दावेदारी कर रहे हैं। सरपंच जी को छोड़कर अब जनपद पंचायत में दावेदारी कर रहे हैं जितेंद्र पटेल साहब, रेंगवा के रहने वाले हैं। दो लगातार पंचवर्षीयों से इन्होंने मुकाम हासिल किया है, जीत हासिल की है अपनी ग्राम पंचायत से, मौजूद हैं। इस बार जनता का क्या रुख इनकी तरफ जाता है, ये तो समय रहते ही पता चलेगा। और भी लोग हैं मुखातिब होंगे। कहां से आया? उमरा से। उमरा से। काय का फॉर्म दाखिल किया आपने? सरपंच पद के लिए। शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? श्री बाबू सिंह लोधी। पहली बार दाखिल किया? हां, पहली बार। कितने फॉर्म होंगे? 6 फॉर्म है अभी। छह फार्म है। हाँ। जीतने के बाद क्या करने का विचार? जीतने के बाद सबसे पहले हमारे गांव में जो पेयजल संकट है उसके लिए, और गरीबों का जो छोटे छोटे से काम है, जैसे आवास हो गया, अपना राशन पर्ची हो गई, और गांव की विशेष फोकस है सुंदरता के लिए, जो स्मार्ट प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए हम लोग गाँव में स्मार्ट गाँव बनाने की सोच रहे हैं। स्मार्ट गाँव बनाने की सोच रहे हैं, युवा सोच है। और भी लोग हमारे साथ में मुखातिब होंगे, और हम उनसे जानेंगे कि किस चीज़ का उन्होंने जो कि है ये नामांकन दाखिल किया है, और स्कूटनी के लिए वो यहाँ पर आए हैं। दादा क्या नाम है आपका? वीर सिंह राजपूत। कहाँ से आप? रामखिरिया से। रामखिरिया। काय का फॉर्म भरा? सरपंच का। सर, पहली बार भरा या? हाँ, पहली बार। पहली बार। तो इसके पहले आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, राजनीति का अनुभव? हाँ, वैसे ये तो थोड़ा बहुत है राजनीति का। इस बार हमने सोची चलो सरपंच का भर दिया, गांव के लोगों ने कहा तो उस वजह से अपन ने भर दिया। क्या विकास करने की सोची है? कहा गांव में तो ऐसा है, लगभग विकास तो वैसे है, और जो भी कमी हो पूरा अपन विकास करने की सोचते हो, और जो गरीब वर्ग और जो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उनको अपन हल करने की सोचते हैं।
कहीं से कहीं लोग गरीब हो या बड़ा कोई भी हो, किसी भी प्रकार की उसको परेशानी ना हो, इस प्रकार के विचार हैं अपने। विचार हैं कोई गरीब हो कोई भी हो परेशान ना हो, उनकी समस्या का समाधान तत्काल किया जा सके। और भी लोग हैं जो यहाँ पंच और सरपंच के फॉर्म भरने आए हैं। दादा कहाँ से आए हैं? पिपरिया डगरा से आए हैं। कहाँ काय का फॉर्म भरा? सरपंच का। पहली बार भरा है इसके पहले? पहली बार। पहली बार तो इसके पहले आपके पंचायत में कितने फॉर्म डल चुके? अबे हाल तो 7 सरपंचों के पद के फॉर्म भरे गए हैं। उनको हो सकत बैठ के भी सभी विधान बन जाए, एक रह जाए, एक ही समाज के फार्म डरे। और अच्छी बात है, हमारे गांव को अच्छे है, ऐसा नहीं है कोने के ऐसी कौन बात हो गई, वाद विवाद नहीं होता हमारे गांव में। क्या रोक है जनता का? अब जनता का रोक तो अब निर्वाचक के आदमी के ऊपर रहता है कौन कैसा होता है, तो उसके लिए चुनते हैं जो विकास के और आदमी होता है। ऐसे कोई मुद्दे हैं या ऐसी कोई बातें हैं जो गांव में आपके हिसाब से अभी तक नहीं है और वो होनी चाहिए? है, थोड़ी सी समस्याएं तो रह गई हैं भाई, वो थोड़ी सी में हल हो जाएंगी। उम्मीदवार अच्छा होगा तो उसको हल करेगा अपने दिमाग से। थोड़ी विवाद होती है तो बैठ गए हों सार्वजनिक करके उसको उपयोग सही हो जाता है। विवादों की स्थिति सुलझाने में पहले पंचायतें काम आती थीं, लेकिन आजकल छोटे छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक मुकदमे थाने तक पहुंचते हैं। यही वो जनप्रतिनिधि होते थे पहले जो पंचायत अपने गांव में ही कितनी भी बड़ी समस्या का हल कर देते थे, और वही प्रतिनिधि आज चुने जा रहे हैं। हालांकि अब छोटी छोटी बातों पर, परिवार घरेलू बातों पर लोग थाने में मुकदमे ले जाते हैं, तमाम केस चलते हैं। और भी लोग हैं, कहाँ से आए हम? सरपंच कितने जने ने भरो? मतलब 3 जनों ने। 3 जनों ने पूरी पंचायत में? 3 जनों ने के गांव से? पंचायत 3 जनों ने। कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? कछु नहीं। और भी लोग हमारे साथ मुखातिब हैं। भैया कहाँ से आए? हम हनौती से आए हैं, जनपद सदस्य के हम प्रत्याशी हैं, वार्ड क्रमांक 16 से, जनपद पंचायत रहेली से। पहली बार भी आप रह चुके हैं? हाँ, पहले हम जनपद सदस्य रह चुके हैं, मतलब मेरी मैसेज रह चुकी हैं। 2018 में इस्तीफा दे दिया था क्योंकि वो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता हो गई थी इस कारण से। अब हमारा ये उद्देश्य है कि सरकार की जो जनहित ऐसी योजनाएँ हैं वो योजनाएँ जमीन पर उतरें और सभी लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिले, इस कारण से हम दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या लगता है आपके ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं गांव में या बाढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत जो अभी तक नहीं भाई और बहुत चाहिए? बाढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत ये है कि छोटी छोटी समस्याएं, कुछ लोग हमारे यहाँ जैसे हरिजन आदिवासी हैं, वो लोग राशन पर्ची के लिए परेशान होते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि सभी लोगों के हम जाति प्रमाण पत्र बनवा दें और उनके आधार पर सभी को राशन पर्ची उपलब्ध कराने का काम करें। बहुत अच्छी सोच है, गरीबों के लिए एक योजना जमीन पर उतरे, और ऐसी अगर युवा सोच रहेगी तो तमाम विकास होगा, और तमाम विकास के जो वादे और दावे सरकार करती है कुछ लोगों की वजह से वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरते हैं, लेकिन अगर ऐसी युवा सोच रहेगी तो वो तमाम योजनाएं सरकार की जमीनी हकीकत से उतरेंगी और रूबरू भी होंगी। और भी लोग हैं। दादा कहाँ से आए? उदयपुरा। काय को फार्म भरो? सरपंच। सरपंच जी को कितने फार्म डर गए पंचायत से? 5। 5 तो ये कई गांव है पंचायत में? और भी एक ही गांव। एक ही गांव का लग रहा हो फिर विचार का है आज? अब विचार का बड़ी याद नहीं थी तो पैसा वाले जो विचार है भी बड़े ही जीता थे और का पैसा अपन नहीं जीता, अपन नहीं, गरीब आदमी नहीं जीत पा। क्या रो पज्जा लगा थे चुनाव लड़े में एक पंचायत जी की ऐसी गुंजाइश हो भी तो 20 लाख भी खर्च कर सका ऐसे ऐसे हमारे। और लोग हैं मुखातिब होंगे, कहाँ से आए? ग्राम पंचायत से वासी नारायण पटेल खारोतला। कितने सरपंच जी का? 10-11 है अभी वो नहीं हुई है तो अभी 10-11 गांव में एक ही वो है के नहीं विरोध किया है लोगों ने, दूसरा डाल दिया है मेरे बाद लास्ट तारीख में 6 तारीख को। अच्छा, गरीब प्रत्याशी हूँ, गरीबों का साथ दूंगा जी जान से, जाति पर ना धर्म पर वोट मिलेगी कर्म पर। जाति पर ना धर्म पर वोट मिलेगी कर्म पर। और भी युवा लोग हमारे साथ में मुखातिब हैं। क्या नाम है भैया? विक्रम जाटव। कहाँ से? उमरा, ग्राम उमरा से। काय का फार्म? जनपद का।
जनपद सदस्य का। हाँ। कितने फार्म डरे बाढ़ से? चार। चार, तो क्या लग रहा है? क्या चीज में क्या लग रहा है? हमारे लिए ऐसा लग रहा है, चार फार्म डाले हैं। हाँ। अपन लड़ रहे कृपा भगवान के लिए। हाँ। हमारे इधर हनुमान जी का मंदिर है, उसमें पैसा लगाया ही नहीं। आदमियों ने वो लिया है 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, लेकिन उसमें लगाया ही नहीं है। अपन लड़ रहे सिर्फ भगवान के लिए, उन्हीं का मंदिर बनवाएंगे अपन। अच्छी सोच है, और जो की है ये भगवान का मंदिर बनवाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मुखातिब हैं। मैं इस वक्त जनपद पंचायत रहली में हूँ, और अब आपको हम कुछ थोड़ी अंदर की तस्वीरों से रूबरू कराएंगे। क्या यहाँ पर है, लोग आए हैं, मुखातिब होते जाएंगे, कुछ युवा प्रत्याशी भी हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रजवास के प्रशांत पटेल मौजूद हैं। क्या फार्म डाला? जी फार्म डाला मैंने और मेरी पत्नी ने। अब देखते हैं, किस्मत अजमा रहे हैं, जो भी जनता आशीर्वाद देगी उसे स्वीकार करेंगे। कितने फार्म डाले पंचायत? अभी तक तो 7 जमा हुए हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक गाँव में नहीं भाई और कर भी? हम तो निरंतर वही प्रयास करते आए हैं, भार्गव जी के चेला है और उसी आधार पर चल रहे हैं। मेरे गुरु और मेरे आदर्श दीपू भैया और भार्गव जी हैं। बस विकास की धारा बहती रही और रजवास में बहा भी देंगे। विकास की धारा रजवास में बहाने का विचार लेकर मन में आए हैं, और हम मुखातिब लोगों से हो रहे हैं। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग अपनी स्कूटनी की बातें सुनने में भी लगे हैं, और एक दाऊ बैठे हैं बड़े शांति से, टाल से जुड़ा भी रहे हैं। तो हमारे साथ भी मुखातिब होंगे। क्या नाम है? अनिल कुमार जैन। कहाँ से आए? टड़ा साहेबपुर। टड़ा साहेबपुर। कितने फार्म डले ये बार पंचायत? 5। 5 सामान नहीं है? सीट सामान है। अगली बार भी थी सामान? अगली बार भी थी। तो क्या लग रहा हो, जनता का कह रही? अब जनता है, जनता ज्यादा देख रही है कि प्रॉब्लम को जाने, ये गुम्मी बात जाने, गुंडागिर्दी नहीं जाने, गुंडागिर्दी को मुक्त करने हैं। ठीक है, हल्के आदमियों की इज्जत नहीं हो, इज्जत कर भी अपन अत्याचार बंद करना, जो है होगा लक्ष्य, जो है अपने तो कह दी थी। कुछ पंचायतों में गुंडागिर्दी होती है। एक और हैं, कहाँ से आई भाई? विजयपुरा पंचायत ग्राम हरदोट। जनपद सदस्य जिला काय को? BDC मेंबर जनपद सदस्य क्रमांक 20 से लड़ रहा चुनाव। इससे पहले? इससे पहले भी अभी हते। जनपद सदस्य? जनपद सदस्य। अब क्या करने की सोची आगे? बच्चा हम तो जनता की सेवा करते हैं, और जनता की सेवा करबे के अपन अलावा कहूँ भ्रष्टाचारी नहीं होने देती है, कहूँ खाऊखोरी नहीं होने देती, इसलिए अपन वोट मिलती है। और का चाह? और जो कहो चाहत के ऐसे योग्य प्रत्याशी चुने के माने जो अपनी जनता है, क्षेत्र की विकास होवे, गांव में काम होवे, ऐसे न दद्दा बना दे के बैठ गए दारू खोर टिकाऊ, बैठ गए दारू पग्गा पी के और हल्ला मचा रहा है। ठीक है, अपन जो चाहते हैं कि जोन पंचायत में सरपंच बने, बाकायदा अच्छे सरपंच बने, अच्छे सरपंचों को मतदान दो जाए, ताकि अपनी पंचायत बिल्कुल एक नंबर चले और सबको सहयोग करें, गरीब को बड़ों को। ऐसे दरुगा मरुगा ने चुने जाए कि आज पता चली कि भज्जा इन्हों वोट दे दे भयाने से पग लगाऊ लगे, ऐसे नहीं। ऐसे प्रत्याशी न चल हैं कि जो पग लगा में भ्रष्टाचार जी होने दे हैं। और भी लोग हमारे साथ मुकाते हैं। भैया कहाँ से हैं? मैं वार्ड क्रमांक 21 जूना छपरा मारपानी। काय का फॉर्म? जनपद सदस्य। कितने दावेदार हैं आपके? अभी तो वर्तमान में 3 दावेदार हैं। हाँ, 3 फार्म भर जमा नामांकन हो चुके हैं। तो स्कूटनी हो गई आपके पास? स्कूटनी हो चुकी है, और फार्म सब कंप्लीट हो चुके हैं, और सबका मतलब है अनुमोदन हो चुका है, सब फार्म सही पाए गए हैं। हाँ, और चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे वार्ड में 3 गांव आते हैं, जिसमें जूना, छपरा और मारपानी। इसमें छपरा से 1 फार्म है, जूना से 2 फार्म है। अब जनता जनार्दन जिसको चाहेगी, और हम तो पहली बार मैदान में उतरे हैं, वह प्रत्याशी हैं, और जनता से मतलब सेवा करने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, और सभी संपर्क हमारे 3 गांव में निरंतर चल रहे हैं, और जनता जनार्दन माता बहनों के आशीर्वाद से उनकी चरण वंदना करके उनका आशीर्वाद यदि हमें मिला, जनसेवा का सहयोग मिला, तो हम उनके विश्वास पे और उनके मतलब भावनाओं पर खड़े उतरने, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। जनता के विश्वास पे और जनता के यहाँ से यह खरा उतरेंगे। दादा कहाँ से आए? हम टड़ा से आए। काय को फार्म भर दा?
हम नहीं मरे भैया, हम संगे आए इनके। हाँ हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जनपद सदस्य को लड़ रहे हैं, वार्ड क्रमांक एक है जिसमें 3-4 गांव आते हैं। हाँ, और टड़ा, उमरा, चौका, चंदरपुरा, सोननी, ये हमारे गांव हैं। इनमें जो है पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कि हमारे इन गांवों में अभी किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम एक ऐसे प्रत्याशी पढ़े लिखे हुए हैं जो विकास करना चाहते हैं, विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हम। तो विकास के लिए भी लोग अग्रसर हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ हैं, हम मुखातिब होंगे। और हमारे साथ में आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से? फुलर। कौन सी वो आपने पंचायत उसका फॉर्म भरा? सरपंच। सरपंच जी? हाँ। तो सरपंच जी का इनने उन्हें फॉर्म भरा है, और फुलर गांव से जो कि है ये आई हैं, और भी लोग हमारे साथ मुखातिब हो रहे हैं। हम रूबरू आप सभी को करा रहे हैं, जनपद पंचायत की अंदर की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। तो जो कि जहां तक अभी तक नामांकन और स्क्रूटनी चल रही है, तमाम लोग आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आए हुए हैं, और एक एक करके हम लोगों से मुखातिब होंगे। तो हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। भैया कहाँ से आए आप? जी ग्राम उमरा से हैं, और जनपद सदस्य के लिए आवेदन है, वो आवेदन भी स्वीकृत हो गया है। हम लोगों से ही अपील करेंगे कि जो भी मतदाता है वो अपने मत का सही उपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को अपना मतदान प्राप्त करे जो पूर्ण नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवानों का जीवन जीता हो, और आगे के समय में देख सकें कि यह व्यक्ति हमारे समाज में कुछ करेगा या नहीं। कितने फॉर्म डल गए आपके? हमारे यहाँ से, हमारे ग्राम से वैसे 3 फॉर्म डले हैं, बाकी जो जनपद है उसमें टोटल 6 फॉर्म आ गए हैं। जी और भी लोग हैं हमारे साथ, हम मुखातिब होंगे। कई ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आए हैं इतनी धूम में चलकर, आप तस्वीरों से साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जनपद पंचायत में आज स्कूटनी चल रही है, और लोग अन्य लोग हमारे साथ में मुखातिब हैं। यहाँ पर एक लिस्ट भी चप्पा की गई है, इस लिस्ट को दिखाएं जरा। लिस्ट में लोग अपना अपना नाम देख रहे हैं, इसको चप्पा की गई है यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? अचलपुर पंचायत। कौन सी? अचलपुर पंचायत। अचलपुर से कितने फार्म डल गए? 6। तो क्या लग रहा है फिर हिसाब किताब? हम ही खुद भरे फार्म। अच्छा, सरपंच। सरपंच जी को पंचायत में क्या गांव लगाते हैं? 2 गांव। क्या करूँ चाह जीत भी के बाद गांव के लाने या स्वच्छ भारत स्वच्छ पंचायत? स्वच्छ नहीं है अबे। हैं? अबे स्वच्छ नहीं है पंचायत। तो जीत जाएंगे तो बताएंगे। तो कुल्ले आज से इनका कहना है कि स्वच्छ भारत है कि तर्ज पे चलेंगे, और भी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम मुखातिब होंगे। लोग जो कि स्कूटनी में एक आस लगा के लगाए हुए बैठे हैं, और कई लोग यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है? नितिन गर्ग। क्या है, काय का फार्म डाला? पंचायत का, सरपंच का। सरपंच का, पंचायत का। क्या उम्मीद है, क्या लग रहा? जो लोगों के लिए अच्छा काम करेगा उसी के लिए आगे अवसर मिलेगा, और या फिर जिन लोगों का पुराना रिकॉर्ड अच्छा रहेगा इसमें उन्हीं को अवसर मिलेगा। जिस प्रकार से समाज सेवा वो लोग करते हैं उन्हीं के लिए जनता अवसर देती है, और आगे भी यही चलने वाला है। तो आगे आपको 25 के बाद ये देखने को मिल जाएगा रिजल्ट में, जिसने जनता की सेवा की होगी वो चुन के आएगा। इसके पहले जनप्रतिनिधि थे क्या? हमारे परिवार के लोग, पिताजी लोग रहे हैं, तो उनका जो कैरियर रहा होगा उसी आधार पर जनता हमें चुन के देगी। तो अच्छी सोच, बिना भ्रष्टाचार की चीज़ें, और भी अन्य लोग हमारे साथ हम मुखातिब होंगे। हम एक एक करके आपसे रूबरू कराएंगे। तस्वीरें आप जनपद पंचायत रहली की देख रहे हैं, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूं, और आप ये सीधी जो तस्वीरें हैं आज स्कूटनी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं सीधी, और भी लोगों से मुखातिब होंगे। हाँ भाई बताएं। प्रताप ठाकुर भले। क्या आप कौन सी पंचायत? जन्म वार्ड क्रमांक 11 जनपद सदस्य। इसके पहले भी आप? हाँ, फिर वो रद्द हो गए थे चुनाव, तो फिर से फॉर्म डाला मैंने। क्या बचा चुनाव जीतने का? अरे जितने फॉर्म भरे हुए हैं सब लोग सोचते हैं कि मैं जीतूंगा है ना। तो और इसके जीतने के बाद क्या कुछ करने की? मैं सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ,
जैसे कि अपने जनपद सदस्य का उतना शायद मैंने सुन रखा है कि पावर तो नहीं रहता है, पर मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छा बन सके, जितना अच्छे से अच्छा हो सके, जो एक सरपंच का कर्तव्य रहता है वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, मैं जितना भी हो सके, जितना बन पड़ेगा अपनी तरफ से। तो हमारे साथ और भी लोग मुखातिब हैं और भी हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? तिखी, तिखी से। काय को? सरपंच जी को। कितने जनों ने कहा? 6 जनों ने, तिखी पंचायत से। तो का है फिर रुख, का कह रहा हूँ माहौल? बस बढ़िया है, ओबीसी से बनेगा सरपंच। अच्छा।